नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। तालठोक के आज का मुद्दा है, क्या बिहार में अब अपराध का ऐसा बोलबाला हो गया है कि जेल से मर्डर की साजिश रची जा सके। ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर उंगलियां उठने लगी हैं। एक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक भी राजदेव रंजन का नाम सिवान जेल में बनी एक हिटलिस्ट में शामिल था। सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार 2019 का एक विकल्प बनने के चक्कर में बिहार को नजरअंदाज कर रहे हैं। नीतीश भले ही संमुक्त भारत का नारा दे रहे हों, लेकिन लालू से नीतीश की दोस्ती ही कहीं उनके नारे पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के सीधे तार आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ते दिख रहे हैं। राजदेव रंजन की हत्या के आरोप में जो तीन शख्स हिरासत में लिए गए हैं, उनमें से एक है उपेंद्र सिंह, जो सगे भाइयों की हत्या के मामले में जेल में बंद शहाबुद्दीन का शार्प शूटर बताया जा रहा है। तो सवाल है कि क्या बिहार में जेल से मर्डर की फिक्सिंग हुई? क्या शहाबुद्दीन ने ही पत्रकार की हत्या की साजिश रची? शहाबुद्दीन पर गहराता शक। क्या नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा? क्या नीतीश लालू राज में बाहुबली रिटर्न्स का डर नहीं पैदा करता? सरकार की तरफ से हम क्या उम्मीद करें जब होम सेक्रेटरी का ये घर है सिवान। होम सेक्रेटरी है अब्दुल बारिश की जो है यहाँ पर, उनका यहाँ घर है। सीबीआई की जांच करके जो भी इसमें कल्प्रेट है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। शहाबुद्दीन भले सजा याफ्ता हो, लेकिन आरजेडी का खास है। पिछले दिनों आरजेडी कोटे से मंत्री अब्दुल गफूर की जेल में शहाबुद्दीन से हुई मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई थी। शहाबुद्दीन को आरजेडी ने हाल ही में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया है। जबकि आईबी की सीक्रेट नोट से खुलासा हुआ है कि शहाबुद्दीन ने साल 2003 में एक पत्रकार कुणाल कुमार की हत्या कराई थी। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर भी उसके हिटलिस्ट में थे। आईबी रिपोर्ट में शहाबुद्दीन के आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों से संबंधों का भी जिक्र है। लेकिन अब खुद जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव को शहाबुद्दीन का बचाव करना पड़ रहा है। कोई भी किसी का भी इस तरह नाम लेना ये बहुत गैर जिम्मेदार बात है। सीधी बात है कि जो जांच चल रही है उस जांच में जो आएगा, यानी उसमें कोई हो कहीं हो, उसे कानून के हवाले होना चाहिए। जेडीयू को बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कड़े सवालों का सामना ऐसे वक्त पर करना पड़ रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश की यात्राओं पर हैं। वाराणसी के बाद रविवार को नीतीश लखनऊ पहुंचे हैं। नीतीश के इन दौरों को 2019 की पीएम पद की उनकी दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि क्या गलत काम कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अब कम से कम शराब लागू हो गया, हमारा जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य खत्म होने से बच गया, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन विपक्ष कटाक्ष कर रहा है कि बिहार चल रहा है और नीतीश पीएम बनने को बेकरार है। आखिर किसके भरोसे है बिहार? 2019 की फिक्र में क्यों है नीतीश कुमार? देश भर घूमने में व्यस्त हैं, उनको बिहार प्राथमिकता पे उनको दिखता नहीं है, तो इसीलिए महाजंगल राज की उपाधि परफेक्ट है हमारे प्रदेश के लिए। और इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी बार बार मांग करती है कि अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। नीतीश की जग जाहिर महत्वाकांक्षा को अब उनके सहयोगी आरजेडी के नेता भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दारू को बोतल में वो जो था आ जाता था, निकलता था खुद जासिम से, तो वो हालत है नीतीश का, ये पगला गया है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। जाहिर है नीतीश कुमार को गंभीर सवालों के जवाब देने हैं और लालू से अपनी दोस्ती का संतुलन भी बनाना है। लेकिन सवाल है कि कहीं नीतीश के 2019 के सपने पर खुद लालू पानी नहीं फेर देंगे? क्या लालू से दोस्ती नीतीश का सियासी ब्लंडर है? तालठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। रामेश्वर चौरसिया साहब नेता हैं, बीजेपी के संयुक्त प्रभारी हैं वो।
बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय सचिव वो रह चुके हैं। जेडीयू की तरफ से डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ हैं, आंखों के वो सर्जन हैं। आलोक मेहता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आउटलुक हिंदी के संपादक हैं, 40 साल से पत्रकारिता में हैं, देश के बड़े अखबारों और पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं। साल 2009 में आलोक मेहता जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव भी हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, पहला सवाल आप ही से सर। पत्रकार राजदेव रंजन के मर्डर में जो इन्वेस्टिगेशन है, जो बातें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर तार शहाबुद्दीन से जुड़े हुए हैं सर, क्या सफाई आपके पास? आदित्य जी, पहले तो बता दें कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जो पत्रकार होते हैं उन पर जो अटैक किया गया, हत्या हुआ, उसके लिए हम लोग काफी मर्माहत हैं और पूरी तरह पुलिस प्रशासन लगी हुई है और हत्यारा कोई भी हो, कहीं भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का आप अश्योरेंस ले लें और आपके चैनल के माध्यम से हर लोगों को अश्योर करना चाहते हैं। दूसरी बात आपने कही कि ये जो प्री एम्प्टिव जो कुछ एक्यूजिंग फिंगर्स किसी एक नेता पर लगाए जा रहे हैं, मुझे मेरी समझ से ये अभी जब जाँच जारी है और कोई औपचारिक जाँच का रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे में किसी पर एक्यूजिंग फिंगर लगाना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि ये एक तो जांच प्रभावित करना या लोगों के मन में एक दूसरे की बातें पैदा करना, ये अच्छी बात नहीं। जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष होने दें और इस बात को मान के चलें कि जैसे पहले सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, इस बार भी कोई भी व्यक्ति किसी भी रसूख वाला हो, किसी भी पद पे हो, कहीं भी हो, कितने भी हो, हाँ, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और वो इस तरह के आप लोग प्रीएम्प्टिव किन्हीं का नाम उछाल करके जांच को, माफी के साथ आप मुझे आने दीजिए सर, आप सिर्फ कुछ लफ्ज ऐसे हवा में नहीं फेंक सकते। प्रीएम्प्टिव नहीं है ये जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो कह रहे हैं ये बात सर, हत्या हो गई, किस बात का भरोसा सर आप दिला रहे हैं सर? आपने उनकी पत्नी को देखा है किस तरीके से बिलख रही थी वो? आपने उन आंसुओं को देखा है सर? एकदम हम लोग लिप सर्विस मत कीजिए सर, पूरी तरह मरमाहत है अदिति जी, पूरी तरह मरमाहत है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो एक शार्प शूटर पकड़ा है, उस पर एक लोग अनुमान लगाए जा रहे हैं, मेरी समझ से कोई आधिकारिक बयान आपके पास इस तरह के नहीं। प्लीज, यहाँ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आप ये बताइए वो शार्प शूटर कौन है, उस शार्प शूटर का नाम क्या है, उसको किस कानून के तहत, किन धाराओं के तहत पकड़ा गया, प्लीज आप बताइए। आप सीरियस है ना पत्रकार की हत्या के मामले में आपकी सरकार? आप ये डिटेल अदिति जी, अभी जो हिरासत में है शार्प शूटर, उनका नाम उपेंद्र सिंह है। पहले भी किसी उन पर हत्या के आरोप लगे हैं, उन पर गहन छानबीन और उनसे पूछताछ जारी है। और इसके बाद अभी तक, जैसा कि आपने बोला कि कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर ने किसी राजनेता की तरफ उंगली उठाई है, मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। आपके पास हो तो मैं आपके जानकारी को डाउट नहीं कर सकता। बहुत सुविधा से एक बड़ी बात उनके बारे में छिपा गए, उपेंद्र सिंह का क्या शहाबुद्दीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है सर? कोई कनेक्शन नहीं है? देखिए अदिति जी, कोई वहां पे एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट नहीं होती। अदिति जी आप देखे, मैं जानती हूँ वहां पर हिट लिस्ट होती है, वहां एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट नहीं होती सर, वहां पर हिट लिस्ट होती है जिसमें बेकसूर बेगुना पत्रकार जो सेवा कर रहा हो देश की, जो राज्य के बारे में सही खबरें दिखा रहा हो सर, उसको मारा जाता है। मैं जानती हूँ सर, ये बहुत ही दुखद है। वो पत्रकार के साथ हम लोग कह रहे हैं कि वो बहुत ही दुखद है और ये सरकार के सामने एक ऐसी चुनौती है कि इस चुनौती को सरकार स्वीकार करते हुए पूरी तरह खरा उतरेगी, उसमें कहीं को दो मत। लेकिन किसी एक अगर कोई व्यक्ति होता है तो व्यक्ति का, वो इंडिविजुअल का पूरी तरह जांच, उस पर गहन पूछताछ जारी है। अगर उनका आप लोग पूछताछ ही करते रहिए, आपकी पूछताछ से क्या राजदेव रंजन वापिस आ जाएंगे? उस पत्रकार को उसकी शादी के एनिवर्सरी के एक दिन पहले मार दिया गया सर, आपने उन बच्चों को देखा है बिलखते हुए? उस पत्नी के आंसू देखे हैं सर आपने? आपने देखे हैं मृत्युंजय तिवारी, आपने देखे हैं सर? हम देखे हैं, हम उनके इस दुख की घड़ी में मरमाहत हैं, दुखी हैं, उनके साथ हैं। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं, हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही बताइए क्या किया जाए, ऐसा क्या कानून में प्रावधान है जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकार का या सत्ता का कोई, मैं सरकार में नहीं हूँ, कोई हस्तक्षेप नहीं है, और ना मेरे पास सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, मेरा काम सवाल पूछना है, आप बोल रहे हैं, उस काम को मैं करती रहूंगी सर। आप ये आप आपका काम सरकार चलाना है, आपका काम कानून व्यवस्था देखना है। अरे आप बताइए क्या कार्रवाई नहीं हुई है, क्या सरकार के स्तर पर कोताही बरती गई है? आप सर ये बताइए कौन है उपेंद्र, उसका शहाबुद्दीन के साथ क्या रिश्ता है? हम बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए बीजेपी की भाषा मत बोलिए, हम चुनौती देते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि कोई साबित करे
साबित करें, साक्ष लाएं। चुनौती हमें मत दीजिए, बीजेपी की भाषा बोलने की जरूरत आपको होगी साहब, हम पत्रकारों को नहीं है, जी न्यूज को नहीं है, और आपको इस तरीके के एक्यूजेशन के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप ये साबित कीजिए कि पहले कैसे कोई चैनल बीजेपी की भाषा बोल रहा है। हत्याएं हुई, आपने स्ट्रेटेजी बना ली है ना डिले करने की, सर ये सब नहीं चलने वाली है, जवाब दीजिए सवाल पर। ये आप डिले मत कीजिए, आपके एक्यूजेशन से डरती नहीं हूं मैं, व्यूअर देख रहा है वो सब जानता है, आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए अदिति जी, अदिति जी बिहार में आप तैयार हैं सीबीआई जांच के लिए? का संरक्षण है ना समर्थन है? अरे आप ये बताइए, उसकी पत्नी मांग कर रही है, राजदेव रंजन की पत्नी मांग कर रही है सीबीआई जांच की, तैयार है आप? कहिए आप जी न्यूज पे। उनकी पत्नी जिस जांच से संतुष्ट होगी वो जांच कराया जाएगा। आप कह रहे हैं जी न्यूज पर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी? साहब आप कह रहे हैं जी न्यूज पर कि आप सीबीआई जांच के लिए तैयार है, कह दे। हम ये कैसे कह सकते हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, अगर उनकी पत्नी उनके वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर, तभी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अगर संतुष्ट होती तो सीबीआई जांच की मांग नहीं करती। वो जो मांग करेंगे उसकी उस जो मांग वो करेंगे, अगर बिहार सरकार के जांच से, हमारे पुलिस के जांच से वो संतुष्ट नहीं होंगी, जब कार्रवाई हो सर, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, मैं आपसे बता रही हूँ। हम रिएक्शन दिखा रहे हैं उनका। हम हत्यारों को जहन्नुम से भी पकड़ कर निकालेंगे, उसके बाद भी अगर संतुष्ट नहीं होगी तो उसको जो जांच कहेगी परिवार, जिससे उनके परिवार को संतुष्टि मिलेगी वो जांच होगा, जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सब आपने सुना है मृत्युंजय जी, आप एक के बाद एक लफ्ज फेंक रहे हैं यहाँ पर दर्शकों के सामने। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कीजिए। आपने सुना उनकी पत्नी ने क्या कहा? अभी हमने चलाया भी, आपने सुना उनकी पत्नी ने क्या कहा? सुना सर आपने? हमने सुना अदिति जी, जी क्या कहा सर? किसी की पत्नी का पति का हत्या हो रहा है, उसके दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है सर। आपने नहीं सुना, को समझ सकते हैं सर, आपने सुना नहीं और आपने उनसे बात की है? हमने सुना है साहब, आप गए, आपके यहाँ से कोई गया उनकी पत्नी से बात करने के लिए? पहले आप जो मैं सवाल पूछ रही हूँ सर उसका जवाब दीजिए, भाषण का मंच नहीं है ये, भाषण का मंच नहीं है। जिस समय से घटना घटी है उस समय से पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रही है। आपने बात की, आपकी पार्टी के किसी नेता ने उनसे बात की? आपकी पार्टी के किसी नेता ने बात की? आपके राज्य में एक पत्रकार की हत्या हो गई सर, ये जाने से ज्यादा बात कर लेते सर, फोन पे बात कर लेते, उस पर कार्रवाई करना, हत्यारों को पकड़ना, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना।